रामपुर विधानसभा उपचुनाव पूरा हो चुका है और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना नवनिर्वाचित विधायक बन चुके हैं। 40 साल तक आजम खान यहां के विधायक रहे और अब भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर फतेह हासिल की है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। यहां पर कुछ लोग हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? अक्षय सैनी। अक्षय जी, आकाश जी रामपुर में जीते हैं, क्या उम्मीदें करते हैं आप? जीते हैं तो अच्छा ही करेंगे और बाकी देखते हैं कि क्या ही कर सकते हैं, और बाकी जो है अच्छा ही सोचा है कि अच्छा ही करेंगे। टाइम बाद आजम खान भी यहाँ के विधायक रहे तो इतनी मतलब पहली बार कमल यहाँ पर खिलाया, तो उस पर क्या कहना है? ये है कि जो आजम खान जी थे उन्होंने कुछ करके नहीं जाने, उन्होंने और ही कुछ किया। जो फैक्ट्री थी, जैसे बेरोजगारी थी, उसके मामले में कभी सोचा नहीं। अब जो है देखते हैं आकाश सक्सेना जी, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, ऐसा नहीं है, कुछ सोचा होगा तभी विधायक बनाया गया है इस बार। और बाकी 4.5 साल उनकी सरकार रहेगी तो सोचा है अच्छा ही करेंगे। ये भाई साहब का कहना है कि अच्छा ही सोचा है और आकाश सक्सेना जी अच्छा ही करेंगे। और भाई साहब हमारे साथ, ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाबिर। जावेद साहब, आकाश सक्सेना जी जीते हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? जी सही है, बढ़िया करा, बढ़िया होना चाहिए, सही सिस्टम होना चाहिए, बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, और क्या है, बस मतलब गरीब आदमी जो है परेशान ना रहना चाहिए, और क्या है, और क्या है, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया है, सही करा, और भाई अच्छा ही है, बस और क्या, सब सही है। अब क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद साहब, रामपुर में जो है 10 बार विधायक रहे आजम खान, अब जो है आकाश सक्सेना जी जीते हैं, क्या कहेंगे आप? ना बढ़िया है, आप ये बन गए हैं और अपने काम भी बढ़िया करेंगे ये, और रोज़गार भी लेकर आएंगे, काम बढ़िया करेंगे, और हमारे लिए बहुत अच्छा है ऐसा ना। इनका भाई साहब का कहना है कि बहुत अच्छा है कि आकाश सक्सेना जीते हैं, और लोगों से हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, क्या उम्मीद है आकाश सक्सेना? बढ़िया है, वो ये विकास भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, वो ये इतने भी ठेले लग रहे हैं उनका सम्मान भी करेंगे ये, और ये बहुत वोट से जीते हैं, अच्छी बात है, हमेशा जीतेंगे ये, कारोबार भी बढ़िया करेंगे, हमेशा रखेंगे, और गरीब आदमी को सब कुछ देंगे, सब काम करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, रामपुर में जो है 10 बार के विधायक आजम खान रहे और भारतीय जनता पार्टी ने अब पहली बार जो है यहाँ पर कमल खिलाया है रामपुर में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, देखते हैं क्या करते हैं वो, रामपुर किस तरह की उम्मीद है, रामपुर के लिए क्या करते हैं, अब तो रामपुर के लोगों ने उन्हें जिता दिया, अब उनके ऊपर है क्या करते हैं वो। क्या अहम मुद्दे रहे हैं चुनाव के, पूरे चुनाव के दौरान देखे आपने? अहम मुद्दे क्या, वही आजम खान और बीजेपी दोनों के मुद्दे रहे। तो आजम खान के किले को जो है फतेह कर ली भाजपा ने, भाजपा जीत गई। नए विधायक से किस तरह की उम्मीद करते हैं? अब देखिए क्या करते हैं वो, क्या उनके मैनिफेस्टो में है। क्या नाम है आपका? मेरा नवीन लोधी। नवीन जी, रामपुर में जो है आजम खान 10 बार विधायक रहे, अब आकाश सक्सेना जीते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? कहेंगे वो यंग लीडर हैं काफ़ी, और ये चुनाव काफ़ी रोमांचक रहा है, और देखते हैं आगे क्या करेंगे हम सब के लिए। युवाओं के क्या अहम मुद्दे हैं रामपुर के? सबसे पहले बेरोजगारी, भर्तियां निकल नहीं रही हैं और भर्तियां निकलनी चाहिए, इस सरकार में कुछ हो तो रहा है, बस एजुकेशन के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। इनका भाई साहब का कहना है कि एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और रोज़गार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा नाम जगदीश है। जगदीश जी, रामपुर में जो है अब कमल खिल गया, क्या कहेंगे आप? साहब इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कमल हम तो कमल को देते हैं, चाहे जीते या हारे, बस हम और तो इस बार कामयाबी मिली। हाँ, नए विधायक से क्या उम्मीद है? सब इसके बारे में जी। चाचा, क्या नाम है आपका? राजाराम। राजाराम जी, रामपुर में नए विधायक चुने गए हैं आकाश सक्सेना जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ठीक है। कैसे आदमी है? बहुत बढ़िया आदमी है, विकास करा है, अब और क्या, जीत के आए, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है, कराएंगे जरूर। इनका भाई साहब का कहना है कि बहुत उम्मीदें हैं आकाश सक्सेना जी से, वो विकास कराएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? एनके सिंह नाम है मेरा। रामपुर में नए विधायक चुने गए हैं आकाश सक्सेना जी, क्या कहेंगे आप? उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करेंगे रामपुर में जो विकास नहीं हो पा रहा था उस विकास में वो
लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे और जो सड़कें निर्माण रुका हुआ था उनका पूरा कराएंगे। जी, इनका कहना है कि जो काम रुके हुए हैं आकाश सक्सेना जी उसको पूरा कराएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज है। आकाश सक्सेना जी यहाँ पर जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, तो क्या कहेंगे आप? भाई जो काम करें बेहतर करें, ना हिंदू ना मुसलमान, बस यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा काम करेंगे तो अच्छे रहेंगे, बस यही मेरी कहना है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा तस्लीम नाम। तस्लीम साहब, रामपुर में आकाश सक्सेना जो हैं विधायक बने हैं नवनिर्वाचित, क्या कहना है आपका? साहब मतलब ये कि बढ़िया आदमी है, उसके पिताजी भी अच्छे आदमी है, मतलब ये कि अगर काम धाम अच्छा करेंगे तो आए को सीट उनकी अपनी है और कोई भेदभाव की ज़रूरत नहीं है, हमें तो वोट देना था वोट दे दिया। क्या उम्मीद है? उम्मीद है काम बेहतर होगा। काम बेहतर ही होंगे, होना तो यही चाहिए काम बेहतर है, जब मतलब पूरी सत्ता में बैठे हों काम बेहतर नहीं हुए तो फिर बेकार है। इनका भाई साहब कहना है कि सत्ता में बैठे हैं और काम बेहतर ही होगा, हमें पूरी उम्मीद है। जी भाई साहब, क्या उम्मीद है? बस काम बेहतर हो, उससे अच्छी बात नहीं है, जो काम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, सीट पर काबिज रहेंगे बस। और क्या अहम मुद्दे हैं यहाँ पर? अहम मुद्दे क्या हैं? कारोबार नहीं है, परेशानियाँ बेहिसाब हैं, जैसे कि लाइट की परेशानी ये है कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब शहर है ये, जिन्होंने नहीं करा वो भी खुश हैं, ये करेंगे तो हम इससे ज़्यादा खुश हैं। 40 साल आज़म खान यहाँ पर रहे विधायक जी, और अब भाजपा को जीत मिली है, इस पर क्या कहना है? भाई आज़म खान ने जो किया वो उनके हिसाब से बेहतर था, कल भी रामपुर परेशान था आज भी रामपुर परेशान है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। ये हैं रामपुर के लोग जिनका कहना है कि हमने आकाश सक्सेना को इस बार जिताया है और देखेंगे कि वो कैसा काम करते हैं। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।